हाँ जी पूजा मैम स्टार्ट करो ओके हेलो आत्मा नमस्ते uh, मेरा नाम है मास्टर पूजा और आज का जो हमारा सेशन होने वाला है कॉजेस ऑफ डिसीजेस एंड सफरिंग मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी मेरे बारे में साई पूजा अंश मेरा ऑर्गेनाइजेशन है और इस प्रोफेशन में मैं ग्यारह साल से हूँ और सोल माइंड एंड बॉडी के टॉपिक के ऊपर बहुत सारी रिसर्च मैंने की है और इसके इम्पोर्टेंस कितनी है और इसका रूट कॉज हमें जानना कितना जरूरी है आज तक मैंने जाना है और इसी बारे में जितना मैं कह सकूँगी क्योंकि ये टॉपिक बहुत वास्ट है लेकिन 45 मिनट्स में जितना मैं आपको आ, उसका इंट्रोडक्शन दे सकूँगी मैं देना चाहूँगी सबसे पहले मैं मैम को भी धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने ये सेशन आज आप सभी के लिए रखा है और मुझे भी एक चांस दिया है सो थैंक यू वेरी मच तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसका रूट कॉज क्या है ये प्रॉब्लम्स हमें आती कहाँ से है जो भी हमारी हेल्थ इश्यूज़ है वेल्थ इश्यूज़ है या हमारे करियर में प्रॉब्लम है सक्सेस में प्रॉब्लम है हमें जो भी अलग अलग चिंताएं रहती है लाइफ में प्रोग्रेस होती नहीं है रिलेशन में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ऐसा क्यों होता है और ये जानना बहुत जरूरी है कि इसका रूट कॉज क्या है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी जो फिजिकल बॉडी है जो हम हमारे फिजिकल आई से इन आंखों से हम उसे देख सकते हैं ये हमारी बॉडी है ये हमारे पंच तत्वों से बनी है जैसे कि अग्नि है पानी है हवा है अर्थ है भूमि है और इथर एलिमेंट स्काई एलिमेंट है इन पांच तत्वों से हमारी जो बॉडी बनी है जिस बॉडी को हम अच्छी तरह से जान जान सकते हैं देख सकते हैं लेकिन हमारी जो आत्मा है हमारी जो सोल है जो इतनी इम्पोर्टेंट है लेकिन हम उस सोल के बारे में उतना नहीं जान पाते कि ये कौन है ये क्या चाहती है ये अर्थ पे आई क्यों है जो हम ये लाइफ जी रहे हैं ये ये क्या है ये लाइफ का मीनिंग क्या है जो हम नहीं जान पाते हैं तो ये जो हमारी सोल है ये सोल का जन्म गॉड के पार्टिकल से हुआ है ये मैंने इसलिए कहा कि हमारा जन्म हमारी सोल का जन्म जो बर्थ हुआ है वो गॉड्स पार्टिकल से हुआ है क्योंकि हम सब में परमेश्वर का वास है ऐसे हम लोगों ने सुना है लेकिन वो परमेश्वर का वास क्या है ये गॉड्स के पार्टिकल से जो हमारी सोल बनी है ये सोल जो है जो अर्थ पे आई है कुछ कर्मों को क्लियर करने के लिए जिसमें बहुत सारी पावर से हिडन पावर से बहुत सारी शक्तियां है हम जैसे भी हमारे जीवन में हमने अगर किसी को देखा कि कोई व्यक्ति चमत्कार कर रहे हैं लेकिन ये चमत्कार जो है हम हर एक कर सकते हैं हमारे अंदर हर एक के अंदर एक मैजिकल पावर है एक हीलिंग पावर है हमारे जीवन को पूरी तरह से पॉजिटिविटी में ट्रांसफॉर्म करने की पावर है लेकिन इस पावर को हम नहीं जान पाते हैं तो ये जो पावर है ये हमारी सोल में है जब हम एक्टिवेशन से हम कुछ साधनाओं से कुछ आ, ऐसी स्पिरिचुअल साधना करके जब हम इस पावर को जागृत करते हैं आज तक आपने सुना भी होगा जैसे कि कुंडलिनी की शक्ति जागृत होती है तो बहुत सारी चीजें बाहर निकलती है हमारी बहुत सारी पावर्स एक्टिवेट होती है ये जो है लेकिन उस पावर को एक्टिवेट करने के बहुत सारे तरीके हैं तो एक आयुर्वेदिक दवाई के समान काम करती है तो वो होती है हमारी सोल की अपलिवमेंट जैसे कि हमारी सोल ने जब लिया इस अर्थ पे हमारी सोल इस ब, इस अर्थ पे जन्म लिया है आपने सभी ने सुना होगा कि हमारे चौरासी लक्ष्य योनिया होती है एट्टी फोर लक्ष्य योनिस हमारी होती है लेकिन अगर हमें हमने ये सुना है वेदा वेदों में पढ़ा है लेकिन अगर हम जाने कि ये कहाँ से है ये जन्म कैसे होता है तो हम उसका जवाब नहीं दे पाएंगे तो ये जो लक्ष हमारी होती है वो कैसे होती है जब हमारी सोल अर्थ पे आई इस पृथ्वी पे आई तो एक वो क्रिस्टल में थी। हम हम जो जितने भी क्रिस्टल हम जानते हैं हम देख रहे हैं उस क्रिस्टल से हर एक क्रिस्टल से हमारी सोल आई है उसके बाद हमारे सोल का एक कॉन्शियस लेवल बढ़ गया उसके बाद हमने हर एक प्लांट में जन्म लिया जितने भी प्लांट्स को आप जानते हैं या नहीं जानते हैं जितने भी पौधे पेड़ है हर एक पौधे और पेड़ में हमारी सोल ने जन्म लिया है उस वो सारे जन्म को पार करके फिर हमारी सोल एनिमल फॉर्म में आई जैसे कि बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स है अः पंछी है बहुत सारे एनिमल्स है उन सारों में से हमारी सोल घूम के आई एनिमल किंगडम के बाद हमारी सोल को ऐसा लगने लगा कि अब हमारी कॉन्शियसनेस और थोड़ी बढ़नी चाह चाहिए उसके बाद हमारी एक हमारी सोल ह्यूमन फॉर्म में आई प्लीज आवाज म्यूट कीजिए जिनका आवाज म्यूट है उसके एनिमल किंगडम के बाद हमारी सोल ह्यूमन uh, फॉर्म uh, में आई और जब हम मानव में मनुष्य बने तो मनुष्य में हमारा जन्म मृत्यु का ये जो चक्र है वो चलता गया चलता गया चलता गया हम बर्थ लेते हैं हम हमारी मृत्यु हो जाती है उसके बीच में हम जो भी ट्रैवल करते हैं हम हम उसे जिंदगी कहते हैं हम उसे डेस्टिनी कहते हैं लेकिन हमारी सोल की जो वो ट्रैवल होती है इसमें हम जो भी करते हैं जो भी सोचते हैं इसमें हम हमारे कर्म को जनरेट करते हैं और फिर से बर्थ और डेथ का हमारा ये चक्र व्यू है, वो चलता रहता है जब एक बच्चा माँ की कोक में जन्म लेता है एक बच्चा माँ की कोक में होता है तब सबसे पहले उस बच्चे का और अभी हम और के बारे में जानेंगे आगे और पहले तैयार होती है हमारे पास्ट के जो जितने भी कर्म हैं हमने कैसे कर्म किए हैं कैसे कर्म हमारे होने चाहिए थे जो भी कर्म हमने किए हैं उस कर्म से हमारा ये नेक्स्ट जन्म बना है और बच्चा जब माँ के कोख में जन्म लेता है तो सबसे पहले उसका औरा तैयार होता है उस और से उसका डीएनए उसकी ब्लड सेल्स तैयार होती है और ये जब तैयार होता है और उसके बाद उसके डीएनए में उसके सारे पास्ट लाइफ के कर्म का बीज वो लेके आता है और फिर उसके फिजिकल बॉडी का एक एक पार्ट जनरेट होता है और उसमें सारा कर्मों का रहस्य ये इसके ग्रह कैसे हैं हैं इसके प्लैनेट्स कैसे ये बच्चा क्या करेगा इसने कौन से कर्म को चुना है ये सारी डेस्टिनी अपने साथ वो लेके आता है ह्यूमन और कुछ इस तरह से होता है जैसे कि हमारी फिजिकल बॉडी है उसके साइड में चारों ओर एक रोशनी होती है इसे हम और कहते हैं ये हमारी एनर्जी बॉडी होती है जो बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको कोई भी परेशानी आपको कोई भी, भी बीमारी जो भी आती है सबसे पहले हमारे और में आती है यह और हमारा एक कवच होता है जैसे हम नजर उतारते हैं हम जो भी रिचुअल्स uh, रेमेडीज जो भी भगवान की प्रेयर भी करते हैं हम हीलिंग करते हैं उसका असर हमारे फिजिकल बॉडी पे बाद में होता है लेकिन सबसे पहले हमारी और पे होता है ये हमारी एनर्जी बॉडी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जब हम मेडिटेशंस करते हैं या कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं तब धीरे धीरे हमारा और जो है वो डेवलप होने लगता है जिन व्यक्तियों का जिन मनुष्य का जो और है वो ड्रेन होता है या वीक होता है उन्हें बहुत सारी बीमारियां होती है उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो वो कहता है कि मेरे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ये प्रॉब्लम पर जो जड़ होता है जो रूट कॉज होता है उसके और में होता है इसलिए ये जो और है इस को और को एनर्जेटिक और पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी होता है हम हमने जो और देखा उस और में हमारी और भी हमारे सात शरीर होते हैं सेवन बॉडीज होती है वो कुछ इस तरह से होती है एथरिक बॉडी इमोशनल बॉडी मेंटल बॉडी एस्ट्रल बॉडी सेलेटल बॉडी स्पिरिचुअल बॉडी कॉजल बॉडी इस तरह से ये हमारी सेवन बॉडीज होती है ये इस हर एक बॉडी में आपके हर एक कर्मा का इम्प्रिंट होते हैं जैसे कि आपका मृत्यु अगर किसी भय से हुआ है किसी डर से हुआ है तो उस डर की इम्प्रिंट भी आपके और में होती है आपका आ, पास्ट लाइफ में आपकी डेथ किसी नाइफ से किसी हत्यार से हुआ है तो उस हत्यार की भी आपके और आपके ला, लाइफ में कुछ ऐसा डर है उस डर की एनर्जी आपके और तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो होती है वो इनविजिबल फॉर्म में एक अदृश्य फॉर्म में आपकी और में छिपी हुई रहती है इसीलिए आपके और से आपको प्रॉब्लम धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है तो आपके और को आपको ज्यादा डेवलप करना बहुत जरूरी होता है आज तक मेरे पास ऐसे भी केसेस आए जिनको स्पिरिट अटैक्स के प्रॉब्लम्स होते हैं कि उन्हें स्पिरिट के बहुत जल्दी प्रॉब्लम्स होते हैं कहीं भी वो जाते हैं तो उन्हें स्पिरिट अटैक्स हो जाते हैं या कहीं भी कुछ भी होने से उनका और एकदम से डल हो जाता है या नींद में उन्हें ऐसा लगता है कि किसी ने अटैक किया या कोई हमारे बॉडी पे बैठ गया है ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं तो उसे कहते हैं वैम्पायर अटैक्स तो ये जो वैम्पायर जो अदृश्य शक्तियां हमारे आजू बाजू में होती है वो हमारे ऑरा में वो उन्हीं मनुष्य के ऑरा में प्रवेश कर पाती है या अटैक कर पाती है जिनको ऑरा बहुत वीक है या बहुत ड्रेन हुआ है इसीलिए हमारे ऑरा को डेवलप करना बहुत जरूरी होता है कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप बहुत एनर्जेटिक है तो आपका और भी बहुत उतना ही एनर्जेटिक होता है लेकिन कभी आप ऐसे किसी मनुष्य को मिलते हैं जाके या आपके आजू बाजू में ऑफिस में कहीं भी ऐसे भी लोग होते हैं जो अंदर से बहुत आ, चिंतित है या बहुत ड्रेन है उनके लाइफ में कुछ आ, अच्छा नहीं चल रहा है तो उनका और भी उनके माइंड के थॉट से उनका और भी वैसे ही एक्टिवेट होता है वैसे ही ड्रेन होता है तो आप अगर ऐसे व्यक्ति को शेक हैंड भी करते हैं तो भी आप उनकी एनर्जी खींच लेते हैं या आप उनके बारे में सोचते भी है, तो ऑटोमेटिकली एक एनर्जी की कॉर्ड जो होती है हमारे और चक्रा में से बहुत सारी इनविजिबल कॉर्ड्स कनेक्ट होती है आप अगर दूर बैठ के भी किसी इंस ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो बहुत ही ड्रेन है बहुत डिप्रेशन में है या हमेशा वो एग्रेशन में रहता है या आपके लाइफ में ऐसा कुछ घटित हुआ है जो आपको आज तक भी याद है और उसे याद करने के बाद आप भी ड्रेन हो जाते हैं तो उस इंसान को याद करके आप आपकी एनर्जी की कॉर्ड उससे कनेक्ट कर देते हैं और वो सारी एनर्जी उस इंसान के से आपके पास खींचती चली आती है इसीलिए कॉर्ड कटिंग और क्लिनजिंग ये जो सारी चीजें हैं ये बहुत जरूरी होती है जैसे हमारे फिजिकल बॉडी में हमें ऑर्गन्स होते हैं हार्ट है लंग्स है स्टमक तो वैसे ही हमारे जो जो और होती है हमारे और हमारे हमें इस तरह से चक्रास होते हैं और ये चक्रास सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे तो हमारे अंदर 144 फोर्टी फोर चक्रास है लेकिन जो ऋषियों ने बताई है पहले से जो हमारे मेन चक्रास है वो ये सात चक्र होते हैं जो हमारे स्पाइन के बिल्कुल पीछे स्पाइन के बिल्कुल नीचे बॉटम में होता है उसे मूलाधार चक्र कहते हैं हमारे फ्रंट साइड में हमारे नाभि के फोर फिंगर्स डाउन जो चक्र होते हैं उसे सैक्रल चक्र कहते हैं स्वाधिष्ठान चक्र उसके बाद हमारे नेवल के फोर फिंगर्स ऊपर जो चक्र होता है उसे मणिपुर चक्र कहते हैं सोलर प्लेक्सिस चक्र ठीक उसके हमारे चेस्ट के बीच में जो चक्र रहता है उसे कहते हैं हार्ट चक्र अनाहत चक्र हमारे थ्रोट के बराबर ठीक बीच में जो चक्र होता है उसे विशुद्धि चक्र कहते हैं हमारे आज्ञा हमारे दो यहाँ पे फोरहेड के बीच में जो चक्र होता है उसे कहते हैं आजना चक्र और हमारे ठीक हमारे हेड के ऊपर बीच में जो चक्र होता है उसे कहते हैं सहस्त्रार चक्र क्राउन चक्र ये सारे चक्र में हमारे हर एक कर्म भी छुपे हुए हैं और हर एक प्लेनेट भी छुपे हुए हैं आप सेकेंड इमेज में देखेंगे तो ये चक्र कुछ इस तरह से आगे से लेकर पीछे तक ऐसे होते हैं हमारे जो भी कर्म है और उस कर्म के सारे ब्लॉकेजेस हमारी सारी इम्प्रिंट्स हमने क्या कर्म किए हम हमारे और चक्र में से इस लाइफ में भी लेके आए हैं तो जैसे जो मूलाधार ये लास्ट का जो चक्र है मूलाधार चक्र इसमें हमारे पास्ट लाइफ के कर्म के बीज होती है हमारे सारे पास्ट लाइफ के कर्म है जो भी कर्म आपने किया है फिजिकल बॉडी से लेकर मनी को लेकर जो भी आपने कर्म किया है वो सारे कर्म आपके इस चक्र में होता है और आपके लाइफ में फिजिकल इश्यूज जब होते हैं मनी इश्यूज जो होते हैं उसका जड़ जो है रूट कॉज जो है वो इस चक्र में होता है उसके बाद है सैक्रल चक्र हमारे रिलेशनशिप कर्म जो होते हैं वो इस स्वादिष्ठान चक्र में होता है इसे हम इंग्लिश में सैक्रल चक्र भी कहते हैं उसके बाद जो मणिपुर चक्र है इसमें हमारे पितृदोषा जो है हमारे कुंडली में जो पितृदोष हम हमारा एक दोष जो सबको पता है नाइन्टी परसेंट कुंडली में पितृदोष आजकल तो दिखता ही है तो ये एंसेस्टर जो कर्म है वो हमारे मणिपुर चक्र में होता है उसके बाद जो हार्ट चक्र है इसमें हमारे इमोशनल कर्म होते हैं जो भी हमने किसी का दिल दुखाया है जिस बहुत सारे उनके इमोशंस हर्ट किए हैं तो इस लाइफ में आपके साथ भी वही होगा जो आपने आपने दिया है लास्ट लाइफ में उसके बाद है आपका थ्रोट चक्र विशुद्धि चक्र इस चक्र में आपके वाणी कर्म होते हैं जब हम झूठ बोलते हैं हम वाणी से कुछ गलत चीजें बोलते हैं बद्दुआ देते हैं शाप देते हैं तो हमारे चक्र पे ही उसका असर होता है ना ही के आप जिसे दे रहे हैं उसके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उस इंसान को फर्क सिर्फ आपको होता है क्योंकि आपके चक्र से आपके वाणी से जो शब्द गलत निकल गए उसका इफेक्ट आपके चक्र पे ही होता है फिर यह है आज्ञा चक्र आज्ञा चक्र में हमारे ये हमारा मास्टर चक्र होता है जब ये चक्र में बहुत सारे इम्बेलेंस होते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे नीचे के सारे चक्र इम्बेलेंस होने लगते हैं और इस चक्र में हमारे थॉट कर्म होते हैं इंसान ज्यादा से ज्यादा कर्म उसके विचारों से ही करता है उसके थॉट से ही करता है आप जो भी थॉट आपके मन में लाते हैं अगर वो गलत हो तो तुरंत इसका एक जिसे बोलते हैं आकाशिक रिकॉर्ड आपकी जो आप जो भी यहाँ पे कर रहे हैं उसका हर एक हिसाब ऊपर लिखा जाता है और ये सच है क्योंकि जब मैं जो क्लाइंट का जो आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करती हूँ कि उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं क्यों हो रही है तो ये आकाशिक रिकॉर्ड में उसकी पास्ट लाइफ दिखाई जाती है कि इस वजह से उसके लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप जो भी कर्म यहाँ पे कर रहे हैं अगर वो गलत है अगर आप हमें ऐसा लगता है कि कोई देखने वाला नहीं है या कोई सुनने वाला नहीं है लेकिन जो भी आप आपके माइंड से कर रहे हैं वो ऊपर लिखा जा रहा है हर एक उसके बाद है हमारा सहस्त्रार चक्र जिसमें हमारे स्पिरिचुअल कर्म होते हैं हम स्पिरिचुअल कर्म कोई साधना हमारे पिछले जन्म की या कुछ ऐसी भगवान की जो भी चीजें हैं जो आधी अधूरी रह गई है उससे हमें स्पिरिचुअल कर्म लगते हैं और ऐसे इंसान की आत्मशक्ति जो होती है वो बहुत वीक होती है अब यहाँ पे अगर हम प्लानिट को देखेंगे तो हमारे मूलाधार चक्र में मार्स प्लैनेट है हमारे चक्र जो स्वादिष्टान चक्र है उसमें शनि प्लैनेट का स्वामित्व है हमारे मणिपुर चक्र में गुरु प्लान का जुपिटर का स्वामित्व है जिस व्यक्ति को सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्त नहीं होता है उसे बहुत ही आ, Uh, इस उसके जुपिटर उसका वीक होता है और उसके कुंडली में भी ये दोष उसको दिखेगा कि उस व्यक्ति का जुपिटर वीक है क्योंकि वो प्रॉब्लम्स उनके ancestor को एंसिस्टर से जेनेटिकल प्रॉब्लम्स वहां उनके उन तक पहुंची है इसलिए उनका ये जो चक्र है ये इम्बैलेंस हुआ है तो इस इस चक्र को उन्हें बैलेंस करना जरूरी है उसके बाद हमारा हार्ट चक्र है हार्ट चक्र में वीनस प्लैनेट का स्वामित्व होता है और ये जो थ्रोट चक्र है इसमें मरक्यूरी बुध आज्ञा चक्र है उसमें मून चंद्र और जो हमारा क्राउन चक्र है उसमें सूर्य इसीलिए कहते हैं कि मून हमारे मन से क्यों जुड़ा है क्योंकि आज्ञा चक्र यहाँ पे है और ये हमारा मास्टर चक्र है हमारा मन ही हर एक चीज का कारण है तो इस तरह से चक्र और और आ, हमारे जीवन से बहुत ही नजदीक जुड़े हुए हैं अभी ये आ, सोल, है। हमने सोल और बॉडी तक देखा अब हम माइंड और बॉडी का कनेक्शन कुछ देखेंगे हमारा मन हमारे माइंड से बहुत ही जुड़ा हुआ है हर एक चीज फर्स्ट हमारे माइंड में आती है फिर वो सारी चीजें हमारी बॉडी तक जाती है हमारी बॉडी वो सुन लेती है जो माइंड कह रहा है कैलिफोर्निया के एक इंस्टीट्यूट में एक रिसर्च सेंटर में एक रिसर्च हुआ था कि इंसान के दिमाग में डेली कितने थॉट्स आते हैं तब ये रिसर्च हुआ था कि डेली सिक्सटी थाउजेंड थॉट्स इंसान के माइंड में आते हैं उसमें से नाइन्टी थाउजेंड थॉट होते हैं अगर हम ऐसा कहें कि फिफ्टी फोर थाउजेंड थाउजेंड है उसमें से फिफ्टी फोर थाउजेंड थॉट्स जो है वो नेगेटिव होते हैं और सिर्फ सिक्स थाउजेंड थॉट्स इंसान पॉजिटिव करता है और इसीलिए आजकल जो बीमारी और हम जिसे प्रॉब्लम प्रॉब्लम कहते हैं वो हमारे जीवन से ज्यादा जुड़ गई है उसका कारण है हमारे नेगेटिव थॉट्स यहाँ पे जस्ट एक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी जर्नी जो होती है सबकॉन्शियस माइंड से लेके कॉन्शियस माइंड तक की होती है Types of mind, हमारे चार टाइप्स के माइंड है माइंड तो एक है लेकिन ये माइंड के फंक्शन है conscious mind, subconscious mind, subconscious mind, subconscious mind का और एक पार्ट है unconscious mind, conscious, subconscious और अनकॉन्शियस माइंड है तो हमें अब इनका रोल क्या है हमारे जीवन में हमारी जो बॉडी है जो फिजिकल बॉडी है वो इस पंच तत्व में हमारे मृत्यु के बाद विलीन हो जाती है लेकिन हमारी सोल मृत्यु के बाद भी उसकी एक बहुत बड़ी जर्नी होती है स्पिरिट वर्ल्ड में उसके बाद वो हम उसका प्लान बनाती है कि हमें मुझे फिर से जन्म लेना है क्योंकि मेरे इतने सारे कर्म और भी बचे हैं वो मुझे पूरे करने हैं इसलिए वो सोल फिर से जन्म लेता है लेकिन जो भी वो अपने कर्म के हिसाब से प्लान बनाता है वो प्लान अपने सबकॉन्शियस माइंड से इस जन्म में लेके आता है क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है कॉन्शियस माइंड मीन्स जैसे कि आप अब मुझे सुन रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ क्या बोलना चाहती हूँ आप समझ रहे हैं लेकिन ये हुआ हमारा कॉन्शियस माइंड लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो है वो सुप्त अवस्था में है उसे कुछ नहीं पता है उसने सिर्फ इस लाइफ में हमें क्या करना है हमारी जो डेस्टिनी लिखी हुई है हमारे कर्म का एक प्लान बना हुआ है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है और अनकॉन्शियस माइंड में हमारे सारे कर्म छुपे हैं माइंड से ये जो कमांड है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है और सबकॉन्शियस माइंड में जो भी डेटा है वो धीरे धीरे हम जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं हमारे कॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है वो वही चीजें हमारे लाइफ में होती है जैसे कि आपने चुना है कि मेरे लाइफ में कौन आएगा और मेरे लाइफ से कौन जाएगा मैं इस लाइफ में क्या सीखूंगा और मैं इस लाइफ में क्या छोड़ूंगा कितने आ, कौन से लोगों के साथ मेरे कर्मा कहाँ तक जुड़े हैं जैसे यहाँ हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं हर एक चीज के लिए जैसे कंपनी में आपको कुछ करना है एग्रीमेंट बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट इतने दिन तक रहेगा और खत्म कभी तक हो जाएगा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ रहता है वैसे ही हमारे लाइफ का भी एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है वो हम ऊपर से बना के आए हैं कि हमारे लाइफ में कौन आएगा कब आएगा कब जाएगा कैसे जाएगा तो ये सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके मृत्यु का भय है आपके सबकॉन्शियस माइंड में हेट्रेट है जलेसी है एग्रेशन है फियर है ट्रॉमा है ये सारी चीजें भी है और जैसे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके पिछले जन्म के बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण भी हैं जो आपको पता नहीं है जो हिडन रहस्य हिडन गुण है आप में जो सारी शक्तियां हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है और हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो सिर्फ टेन परसेंट काम कर सकता है जिसे हम बहुत चलाते हैं दिन भर सुबह उठने से शाम को सोने तक हम हमारे कॉन्शियस माइंड को बहुत चलाते हैं लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ये हमारा सबकॉन्शियस इसमें नाइनटी परसेंट पावर है इसकी थोड़ी सी भी पावर हम यूज करेंगे तो हमारी लाइफ पूरी तरह से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इसीलिए हम देखते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीक्रेट ये आपने देखा होगा लेकिन हर एक के बारे में वो मैनिफेस्ट नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसकी जो हम उसे गार्बेज बोलेंगे उसने इतना सारा भर के रखा है कि वो पॉजिटिव सोचना भी चाहे तो सबकॉन्शियस माइंड से कुछ ऐसा निकलता है कि सामने उसके ब्लॉक तैयार हो जाता है वो चाहता भी है इंसान कि मैं खुद को बदलना चाह रहा हूं मैं इस डिप्रेशन से इस लाइफ से बाहर आना चाहता हूँ लेकिन मैं आ नहीं पाता हूँ क्योंकि ऐसा कुछ सामने आ जाता है आपके लाइफ में वही होता है जो आपके अंदर है क्योंकि गौतम बुद्धा ने भी कहा है हर एक चीज हर एक चीज दुनिया में सिर्फ दो बार होती है पहले तो आपके अंदर फिर बाहर की दुनिया में जैसे जित आज ये टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं हम अभी यहाँ पे जूम पे कनेक्ट है एक दूसरे को देख रहे हैं ये अगर कुछ साल पहले ऐसे किसी ने कहा होता तो हम क्या कहते ऐसा कभी हो सकता है जैसे अभी हम देख रहे हैं स्मार्टफोन हम यूज कर रहे हैं ऐसा ऐसा मोबाइल फोन हम यूज करेंगे तो हमें विश्वास नहीं होता लेकिन अभी वो हुआ है लेकिन जिसने ये चीज बनाई उसने क्या किया पहले माइंड में उसकी इमेज बनाई उसने कल्पना की कि मैं ऐसा बनाऊंगा फिर बाहर के दुनिया में वो मैनिफेस्ट हुआ तो मुझे ये कहना है कि जो भी आपके लाइफ में हो रहा है एक एक पल में हो रहा है आपके, आपके है आपके कर्म के हिसाब से आपने वो प्लान की है क्योंकि जब सोल होता हम सोल होते हैं तब हमारी कॉन्शियसनेस हमारी चेतना इतनी जागृत होती है कि हम कितनी भी चैलेंजेस को अर्थ पे आके एक्सेप्ट करने को स्वीकार करने को तैयार होते हैं लेकिन जब यहाँ पे आते हैं तो वहां की मेमोरी लॉक हो जाती है और जैसे मेमोरी लॉक हो जाती है हमें वही दिखता है जो हमारे आजू बाजू में है और हम हमारे ऊपर वही संस्कार होते हैं जो हम उसे जिसे हम देख रहे हैं तो हम नहीं जान पाते कि हमारे अंदर क्या है लेकिन जो भी आपके अंदर से आ रहा है वो आपके अंदर ही है वो आपको बाहर की दुनिया में दिख रहा है तो हमारे पास्ट लाइफ कर्म लाइफ के ऊपर तो बहुत कुछ हम बोल सकते हैं लेकिन उतना टाइम नहीं है तो हमने जो भी दिया है पास्ट में जो भी जितने भी इमोशंस दिए हैं जितना पॉजिटिव दिया है जिसे हम पाप पुण्य कहते हैं वो हमने दिया है तो उसे हमें पूरा करना ही है हमने जिसको दुख दिया है वो हमें कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और वही एक्चुअली हमारी सोल की जर्नी है कि हमें इस दुनिया में रह के एक स्पिरिचुअल spiritual, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये कभी नहीं होता मैं हमेशा कहती हूँ स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप दिन भर चैंट करो दिन भर आप भगवान की पूजा करो इसे स्पिरिचुअलिटी नहीं कहती है स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि आपके अंदर का बदलाव आपके एक्शन में आपके बिहेवियर में आपके अंदर का जो कंपैशन जो प्रेम है दुनिया को प्रेम की नजर से देखना हर एक चीज को प्यार से देखना इसे स्पिरिचुअलिटी कहते हैं आप भगवान की पूजा ना भी करें तो भी चलेगा भगवान कुछ नहीं कहते हैं बस हमारे अंदर की जो एक्शन बिहेवियर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि स्पिरिट वर्ड से जो मैं बहुत जुड़ती हूँ मेडिटेशन के दौरान तो ये सारी चीजें वहां से आती है कि एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी क्या है तो ये एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी है कि हमारे एक्शन बिहेवियर में काफी सारे पॉजिटिव बदलाव करना क्योंकि इसी से तो हम कर्म को जनरेट करते हैं तो इस कर्म को हमें चेंज करना है आप एक इमेज देखिए जस्ट इसे कहते हैं लॉ ऑफ कर्मा जो हमने दिया है वही पीछे से हमारे पास आया हुआ है तो प्लानिट भी हमारे लाइफ में यही रोल प्ले करते हैं कि जो भी आपने दिया है पास्ट में आपके प्लैनेट आपको अगर पुण्य का सा, आप अभी देख रहे हैं, आपके लाइफ में सुख ही सुख है कोई प्लेनेट आपको बहुत ब्लेसिंग दे रहे तो आपने उस से रिलेटेड ऐसा कोई कर्म किया है जिससे वो प्लेनेट खुश होकर आपको वो ब्लेसिंग दे रहा है लेकिन जब आप आपका कुछ कोई ऐसे प्लेनेट आपको बहुत सारे कर्सेस दे रहे हैं आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं तो आपने वैसे कर्म जनरेट किए हैं इसलिए वो प्लैनेट आज आपके कुंडली में क्योंकि कोई भी प्लैनेट अच्छा या बुरा ऐसे नहीं है वो अपना सिर्फ काम कर रहे तो ये हमारे कर्म है हमें इस प्लैनेट के थ्रू भी हम इस कर्मों को अभी आप बहुत जो भी जुड़े हैं एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं तो प्लानट वही रोल प्ले कर रहे हैं हमारे साथ हमारे कुंडली में भी बहुत सारे इस तरह के दोषास होते हैं ग्रह दोष पितृदोष काल सर्प दोष राहु दोष वास्तु दोष और भी सारे दोषास है वो सिर्फ हमारे कर्म का एक पार्ट है हमारी ब्लड सेल्स होती है हमारे बॉडी में कई सारी सिक्सटी फोर करोड़ ब्लड सेल्स है और हमारे कर्म जो है हर एक ब्लड सेल में हमारा कर्म छिपा हुआ है हर एक छोटी छोटी ब्लड सेल्स में हमारा कर्म छिपा हुआ है आप कुछ भी स्पिरिचुअल साधना करते हैं कुछ भी रिचुअल कुछ भी रेमेडी करते हैं तो आपको एक ड्यूरेशन दिया जाता है फोर्टी डेज करो फोर्टी फाइव डेज करो ये क्यों दिया जाता है क्योंकि जब आप उस चीजों को करते हैं तब आपके ब्लड सेल पे वो असर होना चालू हो जाता है और के ब्लड सेल्स चेंज होने लगते हैं तो ये सारी ब्लड सेल्स में आपके पास लाइफ का डेटा है जो आपको इस लाइफ में प्रॉब्लम दे रहा है सफरिंग दे रहा है यहाँ पे मैंने एक ब्लड सेल की इमेज यहाँ पे ली है जो मैंने बताया अभी कि 64 करोड़ ब्लड सेल्स हमारे अंदर है उसमें से ये एक ब्लड सेल की इमेज यहाँ पे है ये ये जो जो ब्लैक आप इसे जो ये एक बड़ा सर्कल ब्लैक देख रहे हैं उसे न्यूक्लियस कहते हैं और ये ऊपर के जो दो है उसे माइक्रोकॉन्ड्रिया कहते हैं इसमें हमारा पास्ट का जो डेटा है वो सारा डेटा हमारे पास्ट कर्म का इस तरह से हमारे ब्लड सेल में होता है। जब हम कहते हैं कि हमारे प्रारब्ध कर्म बाहर आ गए जो फ्रूटफुल हुए जिसका एक अगर पाप का आपका एक कुछ कर्म बाहर आ रहा है तो उस दौरान व्यक्ति को कुछ भी एक्सीडेंट हो जाता है उसके लाइफ में ऐसी बहुत सारी निगेटिव चीजें होने लगती हैं क्योंकि उसका ये पाप का ब्लैक डेटा काम कर रहा है अगर उसके लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही हैं तो उसके पुण्य का वो पार्ट काम कर रहा होता है तो अभी जहाँ मैंने कहा कि ये जो ब्लैक डेटा इस तरह से हमारे ब्लड सेल में काम कर रहा है ये हमारा निगेटिव कार्मिक डेटा है जब हम कुछ ऐसी स्पिरिचुअल चीजें होती हैं जिसे कार्मिक हीलिंग इमेस्टिकल सर्जरी ये जो ये जो कुछ ऐसे एक्टिवेशन एक्टिवेशन की ये जो किया है ये जिससे डेली करने से आपके ये जो ब्लड सेल्स है इनमें का, काफी काफी नाइन्टी नाइन परसेंट चेंजेस आने लगते हैं और ये सारा डेटा आपके लाइफ से चेंज होना लगता है क्योंकि ये जो ब्लैक डेटा आपका काम कर रहा होता है इसका इसकी जो सारी इंफॉर्मेशन आपके डीएनए तक जाती है और डीएनए का काम क्या है डीएनए का काम है कि इस डेटा को बॉडी थ्रू बाहर लाना बॉडी थ्रू एक्शन में लाना तो ऐसी चीजें आपके लाइफ में होनी स्टार्ट हो जाती है जैसे हम धीरे-धीरे कुछ जो कार्मिक हीलिंग उसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि, कि कार्मिक हीलिंग मींस क्या होता है वो सारी चीजें जब आप करना स्टार्ट कर देते हो तब आपकी हर एक सेल इस तरह से प्यूरीफाई होना, होना स्टार्ट कर देती है आपके ब्लड सेल्स में आपके डीएनए भी काफी सारे पॉजिटिव बदलाव होना स्टार्ट हो जाते हैं और जैसे कि आप कहते कि एक मैं ऐसा था और मैं ऐसा हो गया मेरे लाइफ में इतना सारा काफी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया क्योंकि आपके हर एक सेल को आपने चेंज किया तो हम हमारे डीएनए को कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वैसे ही हमारी सेवेंटी टू थाउजेंड नाडीज होती है सेवेंटी टू थाउजेंड नाडीज होती है हर एक नाड़ी हमारी हर एक चक्र से जुड़ी है ईडा पिंगला सुशोमना तो हमारी मेन नाडीज है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से ये नाडी बहुत ही ट्रांसफॉर्म हो जाती है ये नाडीज जैसे ही ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है हमारी बहुत सारी पावर्स बहुत सारी शक्तियां बाहर आना स्टार्ट हो जाती है आपके चक्रास बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं जैसे-जैसे आपके चक्रस स्टार्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं आपकी बॉडी की आपकी ऑरा की पावर आपका सेंसेशन आपकी बहुत सारी विजन्स जो होती है वो खुलना स्टार्ट हो जाती है हमारे ब्रेन के अंदर जो ग्लैंड है उसका एक्टिवेशन स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है लेकिन ये एकदम से नहीं होता जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे ये सारे बदलाव आप में दिखाई देते हैं इस सेवेंटी टू थाउजेंड नाड़ीज में जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो सारी ब्लॉकेजेस हमारे माइंड के द्वारा हमारे चक्रास तक हमारे और तक और उससे हमारे सारे नाड़ीज तक गई है और इस नाड़ी में ब्लॉकेज ब्लॉकेजेस होने के कारण हम बीमार पड़ जाते हैं बहुत सारी बीमारियां हमें हो जाती है। लाइफ में हमें सक्सेस नहीं मिलता हम आगे नहीं जा पाते हम स्टक हो जाते हैं आप कुछ भी करो तो भी आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है हर तरह से दरवाजा मेरे लिए बंद हो रहा है तो ये सारी प्रॉब्लम्स इस तरह से आ जाती है तो आ, इसके लिए हम जो क, आ, बोलते हैं कि आपको कौन सी प्रैक्टिसेस करनी होती है जिसे हम कार्मिक हीलिंग बोलते हैं कार्मिक हीलिंग ये होता है जिसमें ऐसे कुछ सिंबल्स आपके बॉडी में अट्यून किए जाते हैं आ, कुछ हायर लेवल पे जो मेडिटेशंस होते हैं वो मेडिटेशन आपको दिया जाता है जिससे डेली लाइफ में करने से आपके लाइफ में आपको बहुत सारे चेंजेस आपके और चक्र में बहुत सारे चेंजेस आपको मेराक्यूलि आप देख सकते हैं उस और एक पार्ट है जैसे हमारे फिजिकल बॉडी में अगर कुछ ऑर्गन में खराबी हो गई तो हम क्या करते हैं उस ऑर्गन को निकाल देते हैं या उसकी सर्जरी करते हैं वैसे ही अगर हमारे माइंड में हम इतना सारा कुछ लेके आए हैं जो हमें नहीं चाहिए और सिर्फ लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से या कुछ पॉजिटिव चीजें पढ़ने से वो नहीं हील हो जाती है ये फैक्ट है कि कोई कितना भी क्या पॉजिटिव बोलो पॉजिटिव बोलो लेकिन अगर कोई इंसान हर तरह से एकदम ड्रेन हुआ है उसके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि वो प्रॉब्लम उसके अंदर है वो नहीं पॉजिटिव बोल सकता तो इसीलिए हमें माइंड की सर्जरी की बहुत जरूरत होती है तो ऐतरिक लेवल पे ये सर्जरी सिखाई जाती है इसमें भी आपको एक मास्टर सिंबल अट्यून किया जाता है जिससे जिस, जिस सर्जरी को करने से आपके लाइफ में आपको बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देती है तो ये दो ऐसी आ, क्रिया हैं जिसे करने से आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं वैसे तो बहुत आ, ये नॉलेज वास्ट है ये समय बहुत कम है इस नॉलेज को पूरी तरह से एक्सप्लेन करना लेकिन जो भी आ, मैं इतने समय में दे सकूं मैंने दे दिया है सो थैंक यू वेरी मच और अगर कोई अभी सवाल पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं हां जी जी पूछिए अह यहां पे पूजा अग्रवाल मैम आपने हैंडरेस किया है हाँ मैं मैंने मैंने हैंडरेस किया है हां मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या आप मेडिटेशन करवाएंगे हाँ कोई जो कर्मा हीलिंग कर्मा हीलिंग की जो वर्कशॉप है उसमें आपको पहले तो ऑरा पूरी तरह से सिखाया जाता है चक्रास सिखाए जाते हैं ऑरा की क्लींजिंग और उसमें ऐसे सारे पावरफुल सिंबल्स होते हैं जिसमें आपके अः आपके सराउंडिंग की भी क्लींजिंग आप जहाँ बैठ रहे हो ध्यान करने के लिए उसका क्लिनजिंग सिखाया जाता है आपको अट्यून किया जाता है शक्तिपात दिया जाता है आपको ये सारे सिंबल्स सिखाए जाते हैं आपको कैसे उसको अप्लाई करना है आपके ऊपर वो सिखाया जाता है और मेडिटेशन तो कंपलसरी उसमें है ही जिससे आपका और चक्रा भी बहुत और हो जाता ये, है। रेकी रेकी के चक, रेकी के सिंबल actually कैसे होता है ये रेकी नहीं है ये कुछ अलग सिंबल्स है क्योंकि रेकी जो है जैसे एनर्जी अपडेट होती है हमेशा आ, एनर्जी अपडेट होती रहती है वैसे देखिए हम किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर हर एक को सेम मेडिसिन नहीं देते हैं वैसे ही ये होता है कि अभी एनर्जी जैसे अपडेट हुई है तो ये रेकी नहीं है लेकिन रेकी से थोड़ा परे है लेकिन उतना ही पावरफुल है तो ऐसे वो सिंबल्स मैम क्या मेडिटेशन मेडिटेशन में ये कुछ होगा होगा कि हमें सुबह जल्दी उठ करके ही करना सिम्बॉल नहीं इसमें ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होती है क्योंकि आपका माइंड उस समय पे काफी स्टेबल होना जरूरी है अगर आप नींद से उठ नहीं पा रहे और मैंने कहा कि आपको ब्रह्म मुहूर्त पे ये करना जरूरी है तो वो सफल नहीं होगा लेकिन अगर आप कंफर्ट जोन में होंगे आपके समय पे आप एकदम से रिलैक्स होकर वो करेंगे वो उतना ही आपको लागू होगा तो ऐसे कुछ भी कंडीशन नहीं होती है उसके लिए आप आसानी से वो कर पाते हो किसी भी समय में ठीक है मैम थैंक यू हा, हाँ यहाँ ओमकार जी ने हैंड रेस किया है जी मैडम मुझे पूछना था कि अभी जो सेवन चक्रा ब्रेसलेट जो मार्केट में आते हैं ना हाँ, वो बैलेंसिंग पे वर्क करते देखिए कोई भी चीज में ऐसे नहीं कहूँगी कि वर्क नहीं करती है वर्क करती है वो हंड्रेड परसेंट हील नहीं हो सकती है जो कर्म आपने किया है उससे एक्शन से आपको ही हील करना पड़ेगा एस्ट्रोलॉजी में आपने देखा है कि बहुत सारी रेमिडिया मैम बताते हैं तो क्योंकि वो एक्शन देती है ना आपको आप इस कर्म को करो तो आपको रिजल्ट आएगा ऐसा है कोई प्लेनेट आपको आके हेल्प नहीं करेगा आपको एक्शन करना पड़ेगा तो सेवन चक्र भी सेवन प्लान का ही काम करती है तो आपको उससे क्लीन करना पड़ता है आपको खुद को वो थोड़ा एक्शन करना पड़ता है लेकिन वो वर्क तो करता है सेवन चक्र ब्रेसलेट okay. मतलब नहीं? वो ऑस्पिशियस एक्चुअली पहनना चाहिए या पहन सकते पहन सकते हैं पहन सकते हो क्योंकि क्रिस्टल बहुत काम करते हैं थैंक यू ओके okay, और किसी को ठीक है अगर वर्कशॉप के बारे में किसी को कुछ जानकारी तो आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं अपना नंबर ही दे दो मैम हाँ तो आ, मैं ग्रुप पे नंबर डाल दूसरे दो मैम भी कोर्स जो अपने कोर्स करवाते हैं अपना बता दो मैम हाँ क्योंकि हाँ मैं थोड़ा कोर्स के बारे में ये तो कर, कर्मा हिलिंग और मिस्टिकल सर्जरी ये पहले तो हमारी माइंड बॉडी और सोल को क्लियर होना जरूरी है तो ये है जैसी मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई तो ये जो मैं कोर्स अभी करूँगी ये तो मैंने मेरे मेंटर से किया हुआ है कर्मा हिलिंग का लेकिन मिस्टिकल सर्जरी जो है वो मुझे हायर मास्टर हायर मास्टर में जो सारी देवता है स्पिरिट गाइड आपने सुने होंगे एंजल्स होती है जो हमारे असेंडेड मास्टर्स होते हैं जैसे साई बाबा उनसे कम्युनिकेशन करके मैं सारा डेटा लेती हूँ क्योंकि वो डेटा इतना काम करता है इतना हंड्रेड परसेंट वर्क करता है एनर्जी लेवल पे लोगों की जिंदगी में बहुत सारे बदलाव मैंने देखे है क्योंकि मुझे ये पता है कि ये सारी इस ये जर्नी इतनी जरूरी है यहाँ पे हम जो भी गलत करेंगे हमें ही उसे पूरी तरह से भुगतना है तो इसमें इतना क्रिस्टल क्लियर है कि जो भी डेटा हायर मास्टर्स से आता है वो लोगों को उसका रिजल्ट आना ही चाहिए इतने प्योर इंटेंशन उसमें होते हैं तो बहुत सारे डीएनए हीलिंग भी होता है जो हमारे डीएनए को और भी पूरी तरह से हायर लेवल पर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो डीएनए हीलिंग होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन तो बहुत लोग डरते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन से क्या होगा कुछ बुरा तो नहीं होगा लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी सारी जो कॉज होती है वो आपके पास्ट में ही है आप जो भी आज लेके आए हैं जो भी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स हो कोई मटेरियल डिजायर की प्रॉब्लम हो कुछ भी प्रॉब्लम हो आपके लाइफ में वो आपके पास्ट से ही लेके आए हैं और एक मैं आप बताना चाहूंगी ऑफ कर्मा तो मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है उसके ऊपर मैं काफी काफी मैं बताती हूँ उसकी इंफॉर्मेशन और सोल लेवल पे तो हमारे जो रिलेशन होते हैं, जो हमारे घर में हमारे बच्चे हो या हस्बैंड वाइफ ये हमारे कर्म से ज्यादा जुड़े हुए रहते हैं और जो भी हमारे फ्रेंड सर्कल जो भी होता है जिसके साथ आपका एक रिश्ता बना हुआ है ये हमारे कर्म के बहुत नजदीक होते हैं इसलिए हम लोगों ने उन्हें चुना है हमारे डेस्टिनी में अगर कोई आपको सामने से तकलीफ दे रहा है तो उस तकलीफ को भी आपने चुना है इसलिए वो इंसान आपके साथ वो रोल प्ले कर रहा है आपने देखा है मूवी में एक एक एक्टर एक होता है वो कई मूवी में अलग अलग रोल करता है उसी तरह से हम एक यहाँ पे एक एक्टिंग कर रहे हैं हर एक जन्म में एक नया ड्रामा हम लोग कर रहे हैं हमें अभी याद नहीं पास्ट में हमने क्या किया था इस लाइफ में क्या किया है हमें अगले लाइफ में याद नहीं होगा तो हर एक लाइफ में हमारा रोल अलग अलग है अलग अलग रोल हम प्ले करते हैं लेकिन वो रोल प्ले करते करते हम हमारे विचारों से हमारे थॉट से कई सारे कर्मों को जनरेट करते हैं और मोक्ष जो होता है वो ऐसे ही नहीं मिलता कुछ वेदों को पढ़ने से या ऐसे नहीं मिलता हमारे कर्म से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो होगी आप कैसे कर्म कर रहे हैं उससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी बहुत बार सिर्फ मेडिटेशन करने से आपको मोक्ष नहीं मिलेगा सिर्फ मैं बोलते हैं ना हम हम जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं मेडिटेशन होता नहीं कैसे आएंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही इतनी गार्बेज है बड़ी कि आपका माइंड आपको वो करने ही नहीं देगा उसे हम कहते हैं राहु का प्रभाव क्योंकि राहु क्या है आपके माइंड में बहुत जो भी आप पास से भर के आए हैं वो राहु है तो आपको वो करने नहीं देगा लेकिन अगर राहु आपको अच्छा प्रभाव देगा तो आपको फोकस भी उतना करवाएगा ये है तो मेडिटेशन आप करेंगे तो आप में बहुत सारे चेंजेस होते हैं तो कर्माली में ऐसा गाइडेड मेडिटेशन है जो आपका ऑटोमेटिक ध्यान लगता है उसमें और उससे काफी आपकी एनर्जी भी बूस्ट हो जाती है तो एनर्जी लेवल पे ये बहुत ही जरूरी होता है और आपको रिजल्ट भी उसके काफी अच्छे आते हैं ओके okay, यहाँ पे बबीता जी आपने हैंड रेस किया है हाँ जी मैम मैंने, मैंने ये पूछना है मैम ये वर्कशॉप कितने टाइम का है आ, ये मोस्टली संडे वगैरह ऐसे संडे में ही होता है ज्यादा से ज्यादा संडे और ओन्लाइन? ये एक दिन का ही होता है ऑनलाइन होगा और ज्यादा नहीं तो एक तीन से चार घंटे का ये वर्कशॉप होगा दो तो वर्कशॉप एक साथ नहीं होते हैं पहले एक वर्कशॉप होता है कर्मा हिली उसके ट्वेंटी डेज के बाद मिस्टिकल uh, सर्जरी जो है उस सर्जरी में हम एक स्कल देते हैं जो स्कल कैंडल्स हमारे होते हैं उसको प्रोग्रामिंग करके एक skull, जैसे हमारा ये है, उसी तरह से दिया जाता है और क्रिस्टल दिया जाता है वो भी आपको कुरियर आ जाएगा ऐसे होता है आपके घर आप ग्रुप में डाल देंगे ना डिटेल्स हाँ अभी uh, मैम के साथ डिस्कस होगा और फिर आपको ग्रुप uh, में वो आ जाएगा तो नेक्स्ट okay. मंथ uh, में शायद होगा और संडे okay. uh, के दिन ही शायद हम करेंगे आफ्टर okay. दिवाली तो okay. so, अभी तो सब बिजी है ठीक है थैंक यू थैंक यू सो मच ओके ओके आई होप आपको uh, ये टॉक पसंद आया होगा बहुत बहुत अच्छा बहुत अमेजिंग टॉपिक थैंक यू बहुत अच्छा लगा लेकिन मैम अच्छा लगा मैम थैंक यू मैम कर्मा हीलिंग की की बस हाँ, की एक एक ही क्लास होगी और फिर सर्जरी लेकिन हम इसका प्रैक्टिस सेशन भी रखेंगे क्योंकि आपको उसमें कुछ अड़चने आ रही है क्या हो रहा है तो हम एक दो प्रैक्टिस सेशन भी उसके रखेंगे और ग्रुप पे तो हम कंटिन्यू रहेंगे ताकि आपको कुछ सवाल होगा तो आप पूछ सकते हैं और वैसे तो सारा गाइडेड होता है आपको सारा दिया भी जाता है पूरा जो भी मैन्यूल्स से आपको दिए जाते हैं और जो भी आपको सवाल है कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो ग्रुप पे भी आप पूछ सकते हैं और हम प्रैक्टिस सेशन भी रख देते हैं मैम एक क्लास में मेडिटेशन को हम फॉलो कर सकते हैं मतलब उतना पावर से हम ले सकते हैं, yes, yes, सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं क्योंकि अटेनमेंट ही इतनी पावरफुल होती है कि आप वो आसानी से कर पाते हैं मैम इसकी फीस आप बाद में बताएंगे हम एक कप... हाँ हाँ ये हाँ आपको बाद में ग्रुप पे आएगा तो हाँ तो मैम बता देंगे ग्रुप पे आपको आ जाएगा सब डेट okay. आ जाएगी फीस आ जाएगी सब आ जाएगा ओके थैंक यू वेरी मच सेशन को अटेंड करने के लिए थैंक यू सो मच नमस्कार जाते जाते मैं हमारी भी नमस्ते ले लीजिए <laughs> महावीर सर के जाते जाते नमस्कार नमस्ते <laughs> ले लीजिए सेशन खत्म हो गया ये वाला सेशन सर अभी मैम का सेशन होगा आपका कंप्लीट है मैम हाँ हाँ मेरा अभी हो गया और कोई क्वेश्चन आप लोगों के पूजा मैम से अब हम तो कल ही कर पाएंगे मैम ठीक है कुछ नहीं होता सुनना नहीं उसका फिर कई चीजें जो हुई है आप देखना काफी रिकॉर्डिंग मिलेगी हम लोग को बताती हूँ बबीता मैम मैं आपको ठीक है और कोई डाउट किसी का मैम से और जब कर्मा हीलिंग का सेशन होता है उससे वन आवर में तो पूरा इंट्रोडक्शन होता है लॉ ऑफ कर्मा के बारे में क्योंकि कर्मा के बारे में अभी मैंने वन फोर्थ चीजें ही आपको बताई कर्मा कितना बड़ा है हम जब मृत्यु के बाद वहां का जीवन कैसे होता है हमारे सोल की टाइप्स कितनी होती है एक टाइप का सोल नहीं होता है ऐसा भी है क्योंकि इस चीजों को हर एक इंसान उस तरह से नहीं देखता कि कोई देखता है ये सारी चीजें अंधविश्वास से देखता है कोई बहुत अच्छे से उनको ग्राफ्स कर पाता है क्योंकि उसके उनके सोल की वो लेवल्स होती है तो आ, सोल के टाइप्स कैसे होते हैं आफ्टर लाइफ हमारा जीवन कैसा होता है वो सारा हम लॉफ कर्मा में पहले सीखेंगे उसके बाद वो उस सेशन को स्टार्ट करेंगे ऐसा पूरा एक चार घंटे का वो सेशन होगा okay. यस मैम मेरा हो गया आप स्टार्ट कर सकते हाँ जी शुरू करते हैं अपना yes. मैम इस रिकॉर्डिंग को एक तरफ कर देती हूँ एक बार आप लोग फिर से ज्वाइन कर लोगे सब लोग मैं अपना शुरू करने लगी हूँ ठीक है हाँ जी प्लीज फिर से ज्वाइन